इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, बीवी गार्डन में आपका स्वागत है। ये देखिए फ्रेंड्स, खूबसूरत से अमेरिल्स लिली के फूल, और ये मेरे गार्डन में अभी बहुत खिल रहे हैं। आज मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू करवाऊंगी इस वीडियो में। अब देखते रहिए, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं गार्डन में। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब इधर से बटन रोज के फ्लावर से। इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है और इतने फूल खिले हुए हैं कि आप गिन भी नहीं सकते, इतने फूल खिले हुए हैं इस पर अभी। और बहुत सारी कलियाँ भी हैं और बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। इतने फूल हैं कि पूरा पौधा ही ऐसे पिंक हो गया है। और ये एक इंग्लिश रोज़ खिला हुआ है, ये मैंने कटिंग लगाई थी हिबिस्कस की। और एक गुलदाउदी की, और ये रोज़ खिला हुआ है। और ये फ्रेंड्स गजानिया है, और गजानिया भी अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रही हैं। तीन चार कलर के गजानिया है मेरे पास, ज़्यादा अच्छा ये वाला खिल रहा है, ऑरेंज और येलो वाला। बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी इस पे भी, और बिंका भी खिल रहे हैं। अभी बाहर का सीजन है तो जो गार्डन है वो फूलों से भरा हुआ है इस टाइम। और फ्रेंड्स, जो जूफर फैमिली है बहुत सारी फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी बाहर के सीज़न में भी, और इसमें अभी जो नए नए पत्ते हैं वो निकल रहे हैं। और अमेरिस लिली में बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है, ये मैंने क्यारी में लगाया हुआ है। और ये पटूनिया का प्लांट है, मैंने जनवरी से लगाया और लगातार फ्लावरिंग कर रहा है ये। और ये जाफरी गेंदा जो होती है, और पीले जो है कैलेंडुला अभी तक खिल रहे हैं हमारे गार्डन में। और ये एस्पेरिगस है जो ज़मीन में लगाया हुआ मैंने प्लांट, और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। ये बेल टाइप भी बन जाता है, देखो मैंने बेल में चढ़ाई हुई है। और ये है कड़ी पत्ते का प्लांट, मैंने इसे प्रूनिंग की थी और बहुत ही अच्छी इसकी न्यू न्यू जो शूट्स हैं वो निकली हुई हैं। और इसके साथ ही एक लगाया मैंने बहुत ही पुराना एलोवेरा का प्लांट है, बहुत ही बड़ा है, और इसमें फ्लावरिंग भी तीसरी बार इसमें फ्लावर आ गया है। और फ्रेंड्स, ये है मेरा देसी रोज़ का प्लांट, और इसमें पूरे साल में अभी इसी टाइम फ्लावरिंग होती है मार्च अप्रैल में, और बाद में इसमें फ्लावरिंग जो है बहुत कम होती है। और इसके फूलों की जो खुशबू है बहुत ही अच्छी होती है, और इस टाइम इस पर बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। और एक एक टहनी पे भी पता नहीं कितनी कितनी कलियाँ हैं, 10-15 कलियाँ एक साथ होती हैं। और इसके फूलों की जो खुशबू है बहुत ही सुंदर होती है। और इसी टाइम अप्रैल में, मई में इसमें, मार्च एंडिंग से और अप्रैल में इसमें फ्लावरिंग होती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, कोलियस के प्लांट, एक ही प्लांट के दो कलर हो गए हैं, एक के डार्क पिंक हो गया है और एक थोड़ा और कलर हो गया इसका, और इसमें फूल भी आ रहे हैं अभी। और कोलिस के प्लांट को अगर आप अच्छा रखना चाहते हो तो इस पर फूल नहीं आने देने चाहिए, क्योंकि जब फूल आ जाते हैं तो इसके जो प्लांट का जो है अच्छा नहीं रहता देखने में। और ये देखिए जो मैंने कटिंग लगाई थी जो फुरिया मिली की और बिगोनिया की, वो अच्छे से चल रही है। और ये टोकरियाँ मैंने नीचे उतारी थी पानी देने के लिए, ये देखिए ये भी मैंने कटिंग लगाई और अच्छे से चल रही हैं अभी सारी। इधर मैंने गेंदे लगाए हुए हैं, डाइंथस, कोलियस, बहुत सारे कोलियस बहुत ही अच्छे लगते हैं, और बहुत सारे गेंदे के फूल खिले हुए हैं। कोलियस और गेंदे बहुत ही सुंदर बना रहे हैं गार्डन को। कोलिए से एक ऐसा प्लांट है जो गार्डन में जो है बहुत सारे रंग भर देता है। और ये है एक कैनल लिली का प्लांट, और ये है एक पिंक रोज़, और इसमें भी अभी फूल खिल रहे हैं, बहुत सारी कलियां भी आ रही हैं।
और ये देसी रोज़ है, इसमें बहुत सारी खुशबू होती है इसमें भी। और ये पर्पल हार्ट, इसके जो फूल हैं वो सुबह सुबह ही खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत कलर देता है गार्डन को। और बहुत गेंदे बहुत सारे खिल रहे हैं हमारे गार्डन में अभी। और एक इसके साथ मैंने कटिंग लगाई थी हिबिस्कस की, देसी हिबिस्कस की कटिंग, जो मैंने पिछले जुलाई में लगाई थी और बहुत ही अच्छे से लग गई है और अच्छी सी ग्रोथ हो रही है अभी इसकी। और कोलियस की कटिंग लगाई हुई है। देखिए गुलाब और बहुत सारे गेंदे, डाइंथस और बहुत सारे गेंदे लगे हुए हैं। साथ में डाइंथस के जो गमले हैं मैंने इधर रख दिए हैं। अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए धूप आती है, फिर छाया हो जाती है क्योंकि अब बहुत तेज़ धूप है तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इनको इधर रख दिया है। और ये वाइट गुलाब है, साथ में ही ये डाइंथस के प्लांट हैं, एक जेरेनियम रखा हुआ है और बर्बीना के गमले रखे हुए हैं और बहुत सारे गेंदे लगे हुए हैं। एक कोलियस भी इधर है और गुलाब है इधर एक। ये इंग्लिश रोज़ है और फिर से गेंदे बहुत सारे, ये मैंने बल्ब लगाए हैं मायरस लिली के इधर भी, और इधर भी मायरस लिली के मैंने बल्ब लगाए थे और यहाँ भी अच्छी धूप आती है और यहाँ फूल खिल रहे हैं अभी। और बहुत सारे गेंदे लगे हुए हैं साथ में और अभी बहुत सारे गेंदे के फूल खिले हुए हैं क्यारी में। और फ्रेंड्स ये गमले में भी डाइंथस के प्लांट हैं और ये एक चीकू का प्लांट है और गुलाब है और इधर भी एक बटनरोज़ है। Yeah.